हाँ तो प्यारियो की हाल है तुहाडा। अज तुहाडे नाल एक होर जबरदस्त जी वीडियो लैके हाजिर होए हैं। एक ऐसी स्टोरी जिहदे विच मसूद राणा राइटर जिन्होंने 1965 तो लैके ते 1975 तक उर्दू ते पंजाबी फिल्मों के गाणियां दे उत्ते राज कीता। उन्होंने मैडम नूर जहां ते रिवालवर तान लिया। वो रिवालवर क्यों तानिया ये सारी अज जानकारी तुहानू दिंदे आ। तो ये जानकारी तुहानू किस तरह की लगती है ये बारे कमेंट जरूर क्या करया करो। मैडम नूरजहां उन्होंने बहुत सारे गाने गाए तो मगरबी पाकिस्तान तो मशरकी पाकिस्तान ये दो चीज़ा सगिया उस टाइम। मगरबी पाकिस्तान च मैडम नूरजहां का सिक्का चलता सगा तो मशरकी पाकिस्तान चो एक गुलूकारा जिहड़ी कि उभरी 1970 मतलब 65 तो बाद गुलूकारा उभरी है। उन्हें आके थरथली मचाती। हुण मैडम नूरजहां उम्र च भी ज़्यादा सी ते उन्होंने परफॉर्मेंस दे अवार्ड भी मिल चुके थे क्योंकि उन्होंने कुछ गाने इस तरह के गाए थे पुत्र पुत्र हटाते नहीं विकते इस तरह की बहुत सारिया खिदमात सी उन्हां दियां इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता सीगा। तो उन्होंने ना एक दिन होया कि स्टूडियो दे विच मैडम भी बैठे आ ते रूना लैला जो वो कुड़ी स्टूडियो च दाखिल हुई तो उन्हें दाखिल हुई तो उन्होंने मैडम नूरजहां ने थप्पड़ मारता। ये थप्पड़ क्यों मारिया उसकी वजह तो कोई बेहतरीन तरीके ना सामने नहीं आई लेकिन 1970 दे विच कुछ अखबारों से शाये होया कि रूना लैला जो कमरे दाखिल हुई तो उन्हें ना मैडम नू सलाम नहीं किया। हुण उस टाइम जिहड़ी फिल्मों की एसोसीएशन सी उहदे सरबराह सीगे मसूद राणा साहब बड़ा ना आ उन्हां दा। जो रूना लैला नू थप्पड़ मारिया रूना लैला का तलक सीगा मशरकी पाकिस्तान नाल तो उन्हें ये गल जी ना मसूद राणा साहब तक लै गई कि यह मसला आ मेरे नाल ज्यादती हुई है तो ये बारे च पूछगछ करो जी मैनू इंसाफ चाहिए। हुण मसूद राणा साहब ने अपनी वो जी कोर कमेटी मिंडर मीटिंग सी वो बुला ली। उन्होंने बुला के तो गल की जो जिद सारे ने फैसला किया मुतफिका कि मैडम नूरजहां ना इस बच्ची को माजरत करनी चाहिए है। उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर मैडम नूरजहां फोन किया गया उन्होंने बुलाया गया उन्होंने कहा गया कि तुसी इस बच्ची को माजरत करो। मैडम नूरजहां जो आई तो उन्होंने जो एक गल सुनी वो कहते मैं कल की बच्ची को माजरत करा ये कितने भी कितने लिखा आया भाई ये गल वध गई। जो गल वधी आ तो नाल ही मैडम ने जो उन्होंने कहा कि अगर मैं माफ़ी ना मंगा मैं सरकार नूं दस देवां क्योंकि मैडम के हाथ पैंदे सी उन्होंने बेहतरीन सदारती अवार्ड भी मिल चुकिया सीगा। तो जो उन्होंने ये चीज़ कही ना तो फौरन मसूद राणा जिहड़े सी ना गुस्से दे तेज़ सी तो उन्होंने फौरन जेब चो रिवालवर कढ़िया तो वह कहिंदे जे मैं तैनूं टैलीफोन तक पहुँचण ही ना देवां फिर की करेंगी। वो जदों उन्होंने वेख्या भी ये गुस्से च आ गया तो उन्होंने फौरन अपने जिहड़े हौशवा वास उन्होंने कंट्रोल किया कंट्रोल करके तो कहिंदे जी मसूद साहब तुसीं ये केस चक्कर च पै गए हो तुसीं तो गुस्सा ही कर गए ये बच्चे गलतियां करते ही रहिंदे हुंदे आ तो सियाणे उन्होंने दरगुजर भी करते कभी कभी माफ़ी भी दे दिंदे आ। तो इस तरह मामला जरा रफा दफा होया तो मैडम नूरजहां ने उन्होंने को सॉरी की। अच्छा हूँ तो सारा गल जी शेयर करने का असल मकसद यह सगा कि 1970-71 के पता मशरकी पाकिस्तान साढ़े तो लैदा हो गया तो वह बंगलादेश बन गया। जो बंगलादेश बनया तो वो हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि साढ़े फौज का किरदार से पुट्टो का किरदार से। मैं इतने यही कहना चाहवागा कि साडा सब का किरदार से। हूँ रूना लैला का तलक मशरकी पाकिस्तान तो सगा उन्होंने नाल जो भी होया की गल हो इस चीज़ को अच्छा समझते हो गए बाकी तुम अपनी राय कमेंट च देनी है तो दे के जरूर दसना कि ये वीडियो तुहानू किवें दी लगी और ये जिहड़ा वाकया ये तुसी पहले सुन चुके हो या नहीं। तो मैनू इजाजत दिओ तुहाडा भरा अदनान अल्लाह हाफिज़।